राज्य शिक्षण बोर्ड द्वारा जाहिर करायेला धोरण 10 ना परिणाम में वलसाड जिल्लानो परिणाम 65.12% आव्यो छे, जेमां 118 विद्यार्थीओए ए वन ग्रेड मेळव्यो छे। आ परिणाम में वापीना चला खाते आवेल सेंट फ्रांसिस स्कूलना 5 विद्यार्थीओ ए वन ग्रेड साथे पास थया छे, ज्यारे वापीनी संस्कार भारती हाईस्कूलना 56 में 53 विद्यार्थीओ पण पास थया हता। मनीषा मुकेश सुथार, आप पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है, कितने परसेंटेज आए हैं आपके और क्या महसूस कर रही हैं? स्कूल में फर्स्ट है, 96.66% स्कोर किया है मैंने, एंड ऑफ कोर्स आई एम फीलिंग वेरी गुड, बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ मैं। खास करके एग्ज़ाम से पहले किस तरह की तैयारी थी और कितने घंटे आप पढ़ते थे, और ये जो आपको सिद्धि मिली है उसका श्रेय किसको देना चाहिए? डे वन से, मतलब भले ही स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा 3-4 घंटे, पर रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। कभी ज़्यादा पढ़ो, कभी कम पढ़ो, फंक्शंस भी होता है, सब मैनेज करना, और एग्ज़ाम नज़दीक आई तो और ज़्यादा ज़्यादा घंटे बढ़ाओ अपने, एंड ऑफ कोर्स श्रेय फैमिली सपोर्ट को और स्कूल सपोर्ट को। आगे चल के आपको क्या बनना है और किस तरह, कौन से फील्ड में जाएंगे? मैंने मेडिकल फील्ड चूज़ किया है, एंड ऑफ कोर्स अपना है डॉक्टर बनने का, और मैं पूरी मेहनत करूँगी उसमें भी सफल होने की। आपके पीछे भी कई विद्यार्थी हैं जो अभी 10वीं की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए सबसे पहले तो ये मैसेज है कि ज़रूरी नहीं कि आपने आज तक कितना स्कोर किया, हर इंसान अगर खुद में विश्वास करके कोशिश करे तो ऑफ कोर्स वो अच्छा स्कोर कर सकता है। इवन फेलियर से फेलियर इंसान भी अगर कोशिश करे तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकता है। सो पूरी मेहनत करें, एंड प्लीज़ अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचो, जिन्होंने इतना खर्चा लगाकर आपको पढ़ाया है, आप पर इतना विश्वास किया है, सो स्टडी हार्ड। मुकेश सुथार, मुकेश भाई आपकी लड़की 10वीं क्लास में पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है, कितने गर्व की बात है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व की बात है, महसूस कर रहे हैं कि फर्स्ट आई है प्री स्कूल पे, तो बहुत अच्छी बात है। परीक्षा से पहले आपकी लड़की कितनी मेहनत करती थी, कितने घंटे पढ़ती थी, किस तरह से मेहनत की है उसने, और पूरी जो परीक्षा से पहले कैसी तैयारी की? परीक्षा से पहले पूरी मेहनत करती थी, ट्यूशन जाती थी, घर पर आके होमवर्क करती थी, सुबह शाम सब बहुत मेहनत करती थी कि फिर मेरे को फर्स्ट लाना है, फर्स्ट लाना है, पहले से यही था जो मिला है। अभी अभी आगे आपकी लड़की कौन से फील्ड में जाने वाली है और आप किस तरह से उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं? आगे तो अभी अपना डॉक्टर की पढ़ाई में ही जाना है उनको, अभी विचार तो यही है, बाद में देखेंगे, नीट देने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद में सोचेंगे, अभी इतना कुछ फिक्स किया नहीं। खास करके आपका जो व्यवसाय है वो कारपेंटर का है और आपकी लड़की इतना बड़ी है और फर्स्ट आई है, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? खास करके कई लोग हैं जो मजदूर व्यवसाय में भी रहते हैं, उनके लड़के भी बहुत पढ़ते हैं, आज पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है आपकी लड़की, किसी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही सब देना चाहते हैं कि मेहनत करके, ध्यान करके पढ़ोगे, ट्यूशन जाओगे, बच्चे पर ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो आगे नंबर अच्छा आएगा, तो आगे जाके फ्यूचर अच्छा मिलेगा, और तो भी क्या कर सकते। Thank you.